कल या ऐसे भी डाल दो इसी, ठीक है, ऐसे या आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। ये जो ऐसे या आर्टिकल है इसको निबंध कहते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। और ये जो है ये जो आर्टिकल और एसेस हैं, इनको हम कितने प्रकार से देख सकते हैं या कितने प्रकार के टाइटल हमारे सामने आते हैं, क्योंकि जितने प्रकार के होते हैं उनकी लेखन शैली उतने प्रकार से हमको माइंड में जो है रखनी पड़ेगी। जैसे इसमें सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव, चलिए इनको डिटेल करते हैं समझो, यानी हमारे जो ऐसे या आर्टिकल आते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं, वो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला होगा डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव यानी हो गया इसे किसी चीज का डिस्क्रिप्शन करना है, वर्णन करना है, ठीक है, यानी वर्णनात्मक चीजें कह सकते हो। जैसे हो गया पशु पक्षी के बारे में, किसी पशु पक्षी के बारे में दे दिया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में आप लिखिए, जैसे पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसके बारे में आप लिखिए, अपने विचार रखिए। फिर क्या, ऐतिहासिक इमारत, कोई इमारत, ऐतिहासिक इमारत, जैसे ताजमहल के बारे में लिखिए, विश्वनाथ जी का काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में लिखिए, है ना। ऐसे जितनी भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में अपने विचार रखिए। पोस्टमैन, कोई डाकिया, डाकिया क्या करता है, डाकिया के बारे में, ये डिस्क्रिप्टिव है। अध्यापक, टीचर्स ना, जैसे लिखते हैं माय आइडियल टीचर है, द बेस्ट टीचर, या द बेस्ट फ्रेंड, मित्र के बारे में भी लिखेंगे, अपने माता पिता के बारे में लिखेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अपने माँ बाप के बारे में लिखिए, या अपने पेरेंट्स के बारे में लिखिए, अपने ग्रैंडफादर के बारे में लिखिए, अपने जो है किसी अंकल के बारे में लिखिए, ठीक है, जिनसे आप ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से, या कोई पुस्तक आ गई, द रामचरित मानस के बारे में लिखिए, द गीता के बारे में लिखिए, आदि धार्मिक पुस्तकें हैं, बात समझ आ रही, यानी इस तरह की जितनी भी जो है टाइटल है वो किसमें आएगी, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, ठीक है। उसके बाद आएगा नैरेटिव, नैरेटिव माने अच्छा सॉरी डिस्क्रिप्टिव का मतलब कह सकते हो व्याख्यात्मक, और नैरेटिव माने वर्णनात्मक, क्या, डिस्क्रिप्टिव यानी व्याख्यात्मक और नैरेटिव माने वर्णनात्मक, यानी इसमें वर्णन करना और इसमें व्याख्या करनी, समझ आ रहा है। अब इसमें क्या है, जैसे कोई यात्रा, किसी यात्रा पर आप गए थे घूमने टहलने के लिए, उसके बारे में घटना, कोई घटना दुर्घटना आपके सामने हुई है उसका वर्णन करिए। मैच, कोई मैच देखा है आपने, भारत और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हुआ है, तो इस तरह से कोई भी, या जीवन परिचय, किसी का जीवन परिचय लिखना, जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखिए, शिवाजी के बारे में लिखिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनके जीवन परिचय, इनके बारे में लिखने के लिए आपको दे दिया गया, ये नैरेटिव हो गए। इसी तरह के जो भी टॉपिक्स मिलेंगे वो क्या कहे जाएंगे, नैरेटिव। रिफ्लेक्टिव क्या है, ये है मस्तिष्क में प्रतिबिंबित करके आपको लिखना है, यानी आपको अपने विचार देने हैं। यहां आपको कोई भाई ये तो आपने देखा, ये आपने देखा, इनके बारे में देखा जाना, इसको लिखना है, इन सबको आपके सामने घटित हुई चीजें हैं। यहाँ क्या है, यहाँ अपने विचार, दार्शनिक विचार, इसलिए कहा क्या कि जो दार्शनिक विचार हैं, फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, या कोई फीलिंग्स हैं, उनके बारे में लिखना। अब जैसे ये दे दिया कि ड्यूटी लिखिए, ड्यूटी क्या है, कर्तव्य, यानी मनुष्य का कर्तव्य, भाई अपने राइट अधिकार के बारे में लिखिए, या कह दिया गया सौंदर्य के बारे में लिखिए, सौंदर्य क्या है, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो ये सब क्या है, इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने थॉट्स देने हैं इसे। इसीलिए ये हाई स्कूल लेवल पर आपके लिए नहीं, ये आगे इंटर लेवल पर जाने पर आपको ये मिलेगा, इंटरमीडिएट में।
क्योंकि यहां आपको थॉट्स देने होते हैं। तो अब अभी तो आप छोटे मोटे चीजों को लिख करके अपने थॉट डेवलप कर रहे हैं, और एक समय होगा जब आप अपने थॉट्स खुद एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो उनके लिए यह है कि भावनाएं आगे, कर्तव्य हो गया, अनुशासन डिसिप्लिन के बारे में लिखिए, दहेज प्रथा यानी समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं उसके बारे में लिखिए, पॉपुलेशन पॉल्यूशन चल रहा है ना, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है उसपे विचार दीजिए। खैर ये वर्णनात्मक में भी आ जाएगा, घटना दुर्घटना समझ आ रही नहीं आ रही। तो ये सब टॉपिक जो है वो ये बताते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज लिखेंगे तो उनका एक क्या होना चाहिए, सिस्टम और प्रोसेस होना चाहिए, चाहे वो कोई भी इसमें से जो है डिस्क्रिप्टिव हो, नैरेटिव हो, रिफ्लेक्टिव हो। लेखन शैली एक ही तरह की आएगी कि सबसे पहले आपको टाइटल ट्रेस करना है, फिर उसके बाद आपको संदर्भ लेना है, बाइलाइन लेनी है, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ इंट्रोडक्शन यानी उस आर्टिकल का इंट्रोडक्शन लेना है, फिर उसके बाद मेन बॉडी यही आर्टिकल का होगा जिसमें उसको डिस्क्राइब करना होगा, उसके जो है गुण दोष लाभ हानि अच्छाई बुराई ठीक है ये सब उसमें डालेंगे, उसके बाद अंतिम में हमको कंक्लूजन कर देना है। ये इन तीनों पर लागू होंगे, यानी जब भी हम कोई चीज लिखेंगे या जब भी हम कोई चीज बोलेंगे तो उनके एक्सप्रेशन की एक प्रक्रिया है और उन प्रक्रिया से होकर गुजरना है, इसी को हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल।